प्रोफेसर सईद अख्तर साहब के नारान से वापसी पर लिखी गई एक नज़्म कोशिश। क्या भी उसके झरनों में जमजम और अमृत बहते हैं, क्या भी वहां पर सादे सच्चे सुच्चे लोग ही रहते हैं, क्या भी वहां की खामोशी में शोर बलाका होता है जिस तरह बला के शोरों में भी एक सन्नाटा होता है, क्या भी बल खाती सड़कें कुनहार किनारे चलती हैं कुछ ऐसे के जैसे सखियां सखियों के सहारे चलती हैं, कुछ बाद सबा सरसर की हवा घनघोर घटा की बात करो, गुलरंग जमीन पुरकैफ फजा के हुस्न हया की बात करो, अब लौट के आए हो तो कहो किस रंग में रंगो खुशबू हैं, मुर्गान चमन किस कैफ में हैं और कैसे वहां के आहू हैं, क्या भी हवा पाजेब पहनकर छनन छनन छन चलती है और उसकी सदा सुनने वालों की मन दुनिया भी बदलती है, क्या भी उसकी मट्टी है हम पल्ला मुश्को अंबर की, क्या भी उसकी गर्मी में शोकी है ऐन दिसंबर की, क्या भी उसके सर्वो समन अफलाक से बातें करते हैं और आज अयां हो जाते हैं जब उनके पत्ते करते हैं, क्या भी उसकी धूप में है ममता के प्यार की छाया सी, क्या भी उसकी धूप में है ममता के प्यार की छाया सी, क्या भी पूनम रातों में बढ़ती है दौलत माया सी, क्या भी सुबह छेड़ती हैं और शामें बातें करती हैं, क्या भी रुपहली रातों में रातें कुछ और निकलती हैं, क्या भी उसका हुस्न रसा मकबूर करे है दर्शन से जिस तरह कोई बेखुद होकर बातें करता हो दर्पण से, क्या भी चांद उतरता है उस झील गहरे पानी में, क्या भी परियां आती हैं भरने को रंग कहानी में, गुलरंग कबाएं पहने हुए वो गुल रू खुशरू कैसे थे, दम भर के सही पर साथी थे जो रंगो खुशबू जैसे थे, क्या भी उनसे मिलने को दिल रोज मचलता है कि नहीं, सीने से निकलता है कि नहीं, गिर पड़ के संभलता है कि नहीं, क्या लौट के आना लाजिम था ऐ काश वहीं के हो रहते, मैं भी तो वहीं का आदमी था ऐ काश वहीं के हो रहते, कुछ और वहां पर रुक लेते पर मेरी मर्जी क्या शय है, कुछ और वहां पर रुक लेते पर मेरी मर्जी क्या शय है, तुम बाग-ए-इरम को छोड़ आए ये जन्नत-ए-अर्ज़ी क्या शय है।